दोस्तों, लोग तो चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वे कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनुराशि वालों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, मैं माता रानी से सदैव आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपको हमेशा खुश रखें और आपको अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी तरक्की दे, ढेर सारी उन्नति दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि 4 जनवरी 2023 का दिन आप सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन काल में कौन कौन सी शुभ घटनाएँ घटने वाली हैं, तो कौन कौन सी अशुभ घटनाएँ आज के दिन होने वाली हैं, साथ ही आज आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियों को करने से आज आपको बचकर भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, साथ ही आज के दिन आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके घर में आज के दिन दस्तक देने वाली हैं, साथ ही आज आप लोगों को किन किन क्षेत्रों से और क्या क्या शुभ समाचार की प्राप्ति भी होने वाली हैं। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे कि इस दिन आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगे, कार्य धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों, सारे के सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम आप सभी को पूरी विस्तारपूर्वक से बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस उपाय को आने वाले इन 24 घंटे के समय अवधि में कर लेंगे, यानी कि बुधवार के दिन कर लेंगे, तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानियाँ चुटकियों में दूर हो जाएंगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान गणेश जी के सभी सच्चे भक्तों से वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इस दिन की पंचांग। दोस्तों, इस दिन बुधवार का दिन है और दोस्तों बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मध्यरात्रि 12:01 के उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और दोस्तों मृगशीर्षा नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, शुभ की बात करें तो दोस्तों इस दिन आपका शुभ युग रहने वाला है शुक्ल युग। और दोस्तों, राहु काल की समय की बात करें, 18 दिन का वैद्य शुभ समय की बात करें, दोस्तों दोपहर 12:31 से लेकर के शाम 1:51 तक रहेंगे। दोस्तों, यह समय अंतरण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न एवं बधाएँ भी पड़ सकती हैं। और दोस्तों, अब जो मेरे समय की बात करें, 18 दिन का बेहद शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 11:11 से लेकर के दोपहर 12:31 तक रहेंगे। दोस्तों, यह समय अंतरण में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य धनु राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों, ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां बताएंगे पूरी विस्तारपूर्वक से, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, समस्त ग्रहों की चाल से और भगवान श्री हरि गणेश जी की कृपा से आने वाले दिन आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। दोस्तों, आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ हैं। आज आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। जी दोस्तों, आज आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देंगे। आज आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, जिन भी क्षेत्रों में आज आप लोग हाथ बढ़ाएंगे, दोस्तों उन सारे क्षेत्रों में आज भाग्य आपके साथ देंगे और आपको उस क्षेत्रों से
अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति भी होंगी। आज आपका भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज आपको पता चल जाएगा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अभी तक आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आज आप अपने समर्पण के बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे। जी दोस्तों, यूँ कहें तो आज का दिन ही आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। दोस्तों आज आपके जीवन काल में आपको जो जो मौके मिलने वाले हैं दोस्तों, उस मौके का आप लोग भरपूर फायदा उठाएं, नहीं तो फिर दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेंगे। और पिछले कुछ समय से जिन परेशानियों को लेकर आप काफ़ी परेशान थे दोस्तों, ये सारी परेशानियाँ आज आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे दोस्तों, उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है, यानी कि आज उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों उन्हें आज किसी भी कंपनी से कोई ऑफर आ सकता है, या फिर कहीं पर उनकी नौकरी इसमें लग सकती है, जिनसे उनका मन आज काफ़ी परेशान और काफ़ी खुश भी रहेंगे, और उनके घर में आज खुशी का माहौल भी बना रहेंगे। और दोस्तों जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे दोस्तों, उनकी इच्छाएं भी आज पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आज उनके ऊपर भगवान ग्रह से कृपा बन रही है, जिनसे उनको ज़िंदगी में हर एक वो सफलताएं प्राप्त होंगी जो हमेशा चाहते हैं। लेकिन आज आपको भाई बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त करें, नहीं तो वह लंबी भी चल सकती हैं। जितना आप लोग सारी परेशानियों को समाप्त करके चलेंगे, उतना ही आपके ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों अगर प्रेम और संबंध राशि पर दृष्टि में देखा जाए दोस्तों, समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय रह सकता है। दोस्तों आज आप प्रेम संबंध किसी भी प्रकार का उतावलेपन आपको परेशानी में डाल सकते हैं, तो ऐसे में आज आप लोगों को सोच समझकर ही इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी भी खड़ी हो सकती है। तो आप आज जितना सावधान रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों कार्य उदय राशि पर दृष्टि में अगर देखा जाए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी हद तक उत्तम दिन रहने वाला है। दोस्तों आज आप लोग कुछ मुश्किल कार्यों को जो कि आपने पिछले समय में छोड़ दिए थे दोस्तों, आज उन्हें पूरा करने का भी ये उचित समय है। दोस्तों आज के दिन आप अपने सारे रुके हुए कार्य अपनी उम्मीद से ज़्यादा पूरा भी कर पाएंगे, और सारा काम का बोझ भी आज आपका ख़त्म हो सकता है। दोस्तों आज आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और जो आसपास के सहकर्मियों को सकारात्मक रूप में प्रभावित भी आज करेंगे। और दोस्तों अगर आर्थिक दृष्टि में देखा जाए दोस्तों, आज आर्थिक मामले में आपके लिए दिन साधारण सा रहने वाला है। दोस्तों आज धन व्यय और धन लाभ दोनों की स्थितियां बन रही हैं, और आज काम धंधे के समय व्यापारी अत्यंत कम दामों पर अच्छी बिक्री करेंगे, जिसके चलते प्रतिद्वंदी व्यवसाय में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी देखने को मिलेंगी। हालाँकि व्यापारिक टर्न ओवर आधार स्कीमों का लाभ भी आज उठाएंगे, और धातु व लोहे के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आज आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और सेल्स व मार्केटिंग से जुड़े जातकों पर आज टारगेट बढ़ाने का अधिक दबाव भी रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें पूरे दिन भागदौड़ करनी पड़ेगी। और इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस के राजनीति से बचें और अपने काम पर ध्यान दें, तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे, क्योंकि आज आपके लिए कोई भी राजनीति ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके लिए किसी बड़ी मुश्किल में इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो दोस्तों आज कमर में दर्द रहने की शिकायतें हो सकती हैं, आज आपको भारी सामान उठाने से बचना होगा, और तनाव वाले कार्यों से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आज आप लोग सुबह उठकर भुजंग आसन करना अत्यंत ही आपके लिए लाभप्रद भी साबित होगा। और दोस्तों अगर घर परिवार के माहौल में देखा जाए दोस्तों, आज के दिन मध्यम फलदायी रहेंगी, आज पति पत्नी के मध्य किसी बात पर गलतफहमी बढ़ सकती है, जिससे आपसे मतभेद भी व झगड़े भी आज हो सकते हैं, और आज जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक लोग कुछ परेशानी भी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों आज अचानक से किसी रिश्तेदार के यहाँ आपको जाना भी पड़ सकता है, सायंकाल का समय में अधूरे कार्यों को पूरे करने में आप लोग व्यतीत भी करेंगे। जी दोस्तों चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों आने वाले इन 24 घंटे के समय अवधि मानिक के बुधवार के दिन आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानियाँ दूर हो जाए, और भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे।
दोस्तों, आप लोग बुधवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को हरे मूंग की दाल का दान या फिर हरे वस्त्रों का दान करें। इसके अलावा आप लोग इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों मैं किन के साथ कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी की हरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपकी सारी मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण होंगी।